हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल राव टेक्निकल हेल्प। सो गाइज, जब आप ये कोड करते हो, रन करते हो आपके फ़ोन के अंदर, तो आपको यहाँ पर एक एरर देखने को मिलता है, कॉल फॉरवर्डिंग कनेक्शन प्रॉब्लम और इनवैलिड MMI कोड। तो ये एरर क्यों आता है आपको और ये एरर आपको कैसे फिक्स करना है? अगर आपको कॉल फॉरवर्डिंग कनेक्शन लगता है कि आपका जो फ़ोन है उसकी कॉल किसी ने फॉरवर्ड करके रखा है, तो वो आप कैसे डिस्कनेक्ट कर सकते हो, कैसे उसको बंद कर सकते हो, हम लोग इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप जाने वाले हैं। और जो ये आपको प्रॉब्लम आता है ये कोड रन करने के बाद, जब आप यहाँ पर *#21# यहाँ पर इसको कॉल करते हो, तो आपको यहाँ पर ये कॉल फॉरवर्डिंग कनेक्शन प्रॉब्लम और इनवैलिड MMI कोड का एरर आ जाता है। तो आपको यहाँ पर ये एरर कैसे ठीक करना है, कैसे फिक्स करना है, हम लोग इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। सो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसी बहुत सारी वीडियोज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, चाहे वो लैपटॉप, डेस्कटॉप, यूट्यूब या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में किसी भी टाइप का आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो गाइज आपको यहाँ पर हर टाइप का वीडियो मिल जाएगा। तो सबसे पहले गाइज आपको क्या करना है, ये प्रॉब्लम आपको आता क्यों है और इसको कैसे ठीक करना है आपको, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको आपका जो ये फ़ोन है यहाँ पर एक सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए इसके ऊपर। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद गाइज आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा कॉल फॉरवर्डिंग का, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए इसके ऊपर, यहाँ पर ये क्लिक कर दीजिए इसके ऊपर। ठीक है, तो गाइज जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो उस बंदे का आपको यहाँ पर फ़ोन नंबर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऊपर की तरफ जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, तो ये आपको कैसे बंद करना है, यहाँ पर जाइए, यहाँ पर एरो पर बटन पर क्लिक कर दीजिए, या फिर अगर आपके पास कॉल फॉरवर्ड नहीं है तो यहाँ पर आपका नंबर कोई नहीं मिलेगा, इट मीन्स आपका कॉल फॉरवर्ड नहीं करके रखा है। तो यहाँ पर गाइज आपको टर्न ऑफ का एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए इसके ऊपर, जैसे आप यहाँ पर टर्न ऑफ पर क्लिक करते हो तो आपका यहाँ पर ऑलवेज फॉरवर्ड ऐसा आपका सेटिंग रहना चाहिए। ओके, यहाँ पर ये तो हो गया आपका पहला मेथड। अगर इससे भी आपका प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा हो, लगता है आपको लगता है कि अभी भी मेरा कॉल फॉरवर्ड हो रखा है, तो आप क्या करेंगे, बैक आ जाना है आपको, बैक आ जाइए। ठीक है, यहाँ पर आपको **41#3। ठीक है, यहाँ पर ये आपको कोड टाइप करना है आपके फ़ोन के अंदर, और यहाँ पर जो ये डायलर बटन है यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका कॉल यहाँ पर जो फॉरवर्ड हो रखा था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिस्कनेक्ट हो जाएगा जब आप ये कोड रन करोगे। ठीक है, सो आई होप आप समझ गए होगे कि अगर आपका कॉल फॉरवर्ड है और आपको लगता है जो भी आपके पास कोई बंदा कॉल करता है तो वो कॉल आपके पास आता नहीं है, ठीक है, तो वो कैसे आपको प्रॉब्लम ठीक करना है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा है और इससे आपका प्रॉब्लम ठीक हो गया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन दबाना ना भूलेगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू सो मच।